हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्टडी मटेरियल स्टेटस के बारे में। सो स्टडी मटेरियल आपको कब तक रिसीव होगा, रिसीव हुआ है नहीं हुआ या फिर क्या रिटर्न हो गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप जो है पता कर सकते हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल स्टेटस पर जाके। सो वो जो है आप किस तरह से कर पाएंगे उसी के बारे में वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। सो मैं एक्चुअली आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आप सभी को एक लिंक मिलेगा जिसको जो है आपको ओपन करना है। ये जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे से आप जो अपने स्टडी मटेरियल का जो है स्टेटस चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही ये पेज ओपन करेंगे यहाँ पे स्टडी मटेरियल स्टेटस लिखा होगा, उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा होगा कुछ आपके सेशन, जनवरी 2021, जुलाई 2020, जनवरी 2020, जुलाई 2019 या फिर जनवरी 2019, और सारे सारे आपके यहाँ पे जो है ईयर्स लिखे हुए हैं, सेशन आपके लिखे हुए हैं। सो आपने जब भी जिस भी ईयर में अपने आप को एनरोल किया था या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था, आप जो है उसका स्टडी मटेरियल का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने न्यू एडमिशन लिया जनवरी 2021 में या फिर री रजिस्ट्रेशन किया जो जनवरी 2021 में, तो आपको पहला लिंक ओपन करना है। अगर आपने एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई 2020 में, सो आपको जो है ये वाला लिंक ओपन करना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो है जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सो मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर जाके आप चेक करेंगे, ऊपर लिखा होगा आपका सेशन जुलाई 2020। अगर आप जनवरी का ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए ऊपर लिखा होगा आपका जनवरी 2021। सो मेक श्योर आप अपना सेशन जो है ध्यान से डालिएगा, नहीं तो आपका जो है स्टेटस यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाके आप चेक कर पाएंगे। सबसे ऊपर आपको बहुत सिंपल है, सबसे ऊपर आपको एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो है असाइनमेंट का आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच का जो है स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम वगैरह आपकी सारी सारी डिटेल लिखी होंगी, एंड नीचे जो है आप चेक करेंगे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई होंगी जिसके अंदर सारी की सारी जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई होंगी कि आपके स्टडी मटेरियल को डिस्पैच किया गया है नहीं किया गया है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, बार कोड वगैरह सब कुछ सारी डिटेल जो है आपके यहाँ पे लिखी होंगी। इवन यहाँ पे अगर आपका स्टडी मटेरियल रिटर्न हुआ होगा तब भी उसकी भी जो है यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई होंगी। सो इन स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ 12 के 12 यहाँ पे जो है इनके स्टडी मटेरियल इन्हें रिसीव हो गए हैं। आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अप्रैल, जनवरी और मार्च इन 3 मंथ्स में जो है इनके स्टडी मटेरियल यहाँ पे आ गए थे, एंड सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। सो इतना ईजी था आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल का अपना स्टेटस जो है चेक करना। सो इसी तरह से आपको कोई सा भी प्रोग्राम हो आप यहाँ पे जाके जो अपना स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका सेशन जो है कौन सा है, सो अपने सही सेशन के लिए सही जो है अपना सेशन चूज करिएगा जिनसे भी सेशन में आपने री रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोल किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं हो पाया है या फिर आपने ओप्ट ही नहीं किया था अपने स्टडी मटेरियल के लिए, तो आप जो है किस तरह से डाउनलोड करेंगे। सो उसके लिए देखिए आपको एक ई ज्ञान कोच जो है वेबसाइट है, ये भी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है ई ज्ञान कोच, इसको जो है आपको ओपन करना है। लिंक आपको इन सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे जाने के बाद आप जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे आपके प्रोग्राम्स आपको लिखे मिलेंगे, BAG, BCOM, BEd, आपको BCA, BTS, BCOM सारे सारे प्रोग्राम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो जैसे आप किसी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है नीचे से आप असाइनमेंट अपने स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए नीचे आप चलते जाइए, यहाँ पे जाके आपको सारे के सारे ब्लॉक वाइज देखिए EEC यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सारे सारे यहाँ पे जो है आपको अपने स्टडी मटेरियल जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे जहाँ पे से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऊपर अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी ढूंढने में मुश्किल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर सर्च लिखा हुआ है, सर्च में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सिर्फ अपना लिख के देखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए BMTC अगर आप लिखेंगे सर्च पे जो है क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे जो है आपके सारे सारे BMTC 132, 132, हिंदी, इंग्लिश 133, 134 सारे जो है आपके यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल जो है आ जाएंगे। सो सिंपली आप जो है यहाँ पे से भी अपने स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक वाइज आपको जो है आपके स्टडी मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे आप ब्लॉक को ओपन करेंगे, यहाँ पे व्यू एंड ओपन में क्लिक करेंगे, देखिए जो है डाउनलोड हो जाएगा। सो इसी तरह से जो है आप अपना किसी भी प्रोग्राम का जो है यहाँ पे ईगन कोर्स पे से स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बस ऊपर आके यहाँ पे आपको सर्च में आके बस अपने प्रोग्राम का जो है कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे के सारे जो है अपने स्टडी मटेरियल्स लाइन वाइज जो है मिल जाएंगे, आप जो है सिंपली उन सभी को डाउनलोड कर पाएंगे। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई।